हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आ चुके हैं फिर से नए ब्लॉग में। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं रनिंग करने। अभी बजे हैं सुबह के 6:30, और अभी हम रनिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, कोहरा बढ़ रहा है धीरे धीरे, इधर को भी आने लग गया। अब अभी थोड़ी देर में पूरा बंद हो जाएगा इधर कोहरे से। देखिए गाइस, वो नीचे मंदिर, दीवा माता मंदिर है। पहाड़ का मौसम, तो गाइस मस्त वाली धूप भी आ चुकी है पहाड़ों में, देख सकते हो आप। आहा, तो गाइस अभी भीमंडेश्वर पहुंचने वाले हैं। ये देखो, ये भीमंडेश्वर का मंदिर। चप्पे चप्पे, अरे सब किस बात मौसर, ये देखिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं चौखुटिया। तो चौखुटिया में देखिए कितनी हरियाली हो रखी है। तो गाइस यहाँ आ जा रहे हैं कोई शिवराज चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शायद, अभी दिखाते हैं आपको। तो गाइस इधर से एंट्री हो रही है अंदर को, सबको यहीं उतार दिया गया है। तो गाइस इधर बैठने का है, उधर अंदर दिखाता हूँ आपको। इधर यहीं उतरेगी, यहीं उतरेंगे मतलब। ये देखिए गाइस इधर, ये देखिए गाइस, यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरेगा, अभी दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। यहाँ बना रखा है, इधर पूरा दिखाता हूँ आपको। पुलिस फोर्स लगाई गई है यहाँ पर पूरी अच्छे ढंग से। भीड़ बहुत है, अभी कम ही है लेकिन इससे ज्यादा हो सकती है, अभी होगी भी, देखते हैं क्या होगा। 20-21 धन्यवाद पूरे में एक बार जाले देख लियो क्या के कमरशाह तुम कर सकता ना हो गणपति कार मत तो यार की बमर आने मजा जब जब तुम्हारा जब रम खाजे तुर देखी ये तिया ये तब लाऊ धारम खाजे तुर देखी ये तिया कटानी में हो बकारा उजानगी गोरो नगी भवा गोरो नगी भवा डाई तो जबन लगो कोनी बेटो शो बुला जी बाद जिन कौन चढ़ भांग में कह दो नाल कशिनी गिर बात बोला को लगा जायो म खाजे तुर जेबी धन्यवाद। तो गाइस स्वागत के लिए यहाँ पर नंगा निशान दमू नरसिंह लेके आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ के लोग देख सकते हो आप, ये निशान है जो आगे से देख सकते हो। तो यार गाइस, काफी टाइम बाद वेट करने के बाद यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर फाइनली आ चुका है काफी टाइम बाद, देख सकते हो आप। फाइनली वीडियो तक हमारो
बहुत हवा चली यार गाइस उतरते टाइम। गाइस पूरी पब्लिक यहाँ पर आ चुके हैं, गाइस बहुत भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और इस विशाल विशाल कार्यकर्ताओं की रैली और यहाँ जनता जनार्दन के बीच में मैं अब और कार्यकर्ताओं के लिए और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा
आदरणीय मुख्य अतिथि का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन करा जा रहा है। हम सब लोगों को अपना आशीर्वचन दे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बाखली चौखटिया और आसपास की जनता की, कार्यक्रम में आई बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अरे मध्य प्रदेश वालों का मामा हूँ तो बाखली वालों का भी मामा ही हूँ भाई। भांजियों की भी जय। उत्तराखंड वालों का तो हुई। मंच पर मेरे साथ यहाँ उपस्थित आपके लोकप्रिय और युवा उम्मीदवार, इनको बहुत वर्षों से मैं जानता हूं, तब से जब मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था, पुष्कर धामी प्रदेश के अध्यक्ष होते थे, तब भी अनिल मेरे साथ होते थे और इनके साथ उत्तराखंड में घूमा। युवा है, उत्साही है, शिक्षित है, संकल्पशील है, सरल है, सहज है और समाज सेवी है। मुझे पूरा विश्वास है ये इस विधानसभा की तस्वीर बदल देंगे। ऐसे हमारे उम्मीदवार भाई अनिल सिंह शाही जी, विधानसभा के संयोजक आदरणीय घनश्याम भट्ट जी, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र संगेला जी, हमारे मासी के मंडल अध्यक्ष सुभाष बिष्ट जी, द्वार हाट के मंडल अध्यक्ष उमेश भट्ट जी, मंडल अध्यक्ष जालली जनार्दन पांडे जी, महिला मोर्चा युवा मोर्चा और सभी मोर्चों के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारीगण और इस सुरम्य घाटी में अद्भुत दृश्य है यहाँ। दिल कहे रुक जा रे रुक जा रे रुक जा तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे। यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। मध्य प्रदेश से आया हूँ, खाली हाथ नहीं आया। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की शुभकामनाएं लेके आया हूं। उत्तराखंड और विकास करे, सचमुच में यह बहुत पवित्र भूमि है। आज आपने परंपरागत टोपी पहनाकर स्वागत किया है। आज मैं आपको वचन देता हूं, मामा का वचन है, आपका मान, आपका सम्मान और इस टोपी की शान कभी जाने नहीं दी। इस पवित्र देवभूमि को मैं प्रणाम करता हूं। सचमुच में अद्भुत है यह भूमि, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये कवियों की भूमि है, ये लेखकों की भूमि है, ये पर्यावरण प्रेमियों की भूमि है। और मुझे पता है मेरे बहनों और भाइयों, जब भी देश की सीमाओं पर कोई संकट आता है तो उत्तराखंड का नौजवान बंदूक लेके सीमाओं की रक्षा करने जाता है। भारत माता की रक्षा का भार उठाते हैं उत्तराखंड के नौजवान, दुश्मन को ढेर करते हैं और अगर कभी गोली खानी भी पड़ी तो उत्तराखंड के जवान ने पीठ पे नहीं खाई, सीने पे गोली खा के बलिदान दिया। बलिदानियों की इस पवित्र भूमि को प्रणाम। यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए संकर है। बाहर निकलता है तो एक बर्तन में केकड़े डाल दिया अंदर और कहा देखे कौन सा केकड़ा बाहर निकलता है। बड़ी देर तक केकड़े बाहर ही नहीं निकले तो लोगों ने कहा भाई तमाशा क्या, जरा खोल के तो देखो। तो बर्तन का ढक्कन खोल के देखा तो केकड़े एक दूसरे की टांग पकड़ पकड़ के फेंक रहे थे, ये नहीं कर जाए, ये नहीं कर जाए। कांग्रेस में यही हो रहा है, एक की टांग पकड़ के दूसरा खींच रहा है, ये केकड़ा ऊपर नहीं चला जाए। हरिदास गोदयाल प्रीतम सिंह,
कांग्रेस तो बन गई है केकड़ा पार्टी, केकड़ा पार्टी। एक दूसरे को पकड़ पकड़ के खींच रहे। ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती, एक दूसरे को पकड़ के खींचो और गड्ढे में डालो। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब जो आपस में लड़ रहे हैं बताओ, वो उत्तराखंड का भला कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकते हैं क्या? नहीं। झूठे वादे कर रहे हैं। 5 लाख को काम दे देंगे, 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। मेरी बहनों और भाइयों, आज के जमाने में हर कहीं की खबर मोबाइल से पता लगा लो। मैं चैलेंज दे रहा हूं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जवाब देना। उत्तराखंड में भ्रम फैलाने आ गए तो बताओ, छत्तीसगढ़ में तुम्हारी सरकार है कितनों को रोजगार दे दिया बता दो। भाभी ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। सोनिया गांधी जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी जवाब देना पड़ेगा, हरीश रावत जवाब देना पड़ेगा। तुमने छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, तुम्हारी राजस्थान में सरकार है राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, तुम्हारी पंजाब में सरकार है तुमने पंजाब में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। भाभी कहा था देंगे, ढेला नहीं दिया ढेला। हम आगे उत्तराखंड में हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम 5 लाख को रोजगार देंगे। अरे हमरे बलमा बेईमान, हमें पटियाने आए हैं। झूठे वादे। तो केजरीवाल आ गए जो नंदा देवी को कूड़े का पहाड़ कहते थे, वो भी करें। बाखली भी स्मार्ट विलेज के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, मास्टर प्लान बनाएंगे, सारी सुविधाएं, रोड कनेक्टिविटी, सब गरीबों के घर। सुन लो उत्तराखंड के बहनों और भाइयों, अनिल मैं ये वचन दे के जा रहा हूं, कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, हर घर का पक्का मकान बनवाया जाएगा। और मेरी बहनों ये नोट कर लेना, तुम्हारा भैया कह के जा रहा है, कोई घर ऐसा नहीं है मामा, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां नल से टोटी वाले नल से पानी ना दे दे। मेरी बहनें पानी के लिए कितनी परेशान होती थी, काम निरंतर जारी है। हर घर में शुद्ध पीने का पानी ये भारतीय जनता पार्टी देगी। देव भूमि को खेल भूमि भी हम बनाएंगे, और हर गरीब बहन को 3 गैस के सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे साल भर में। हमने ये भी तय किया है गरीब परिवार की जो महिला मुखिया होगा होगी उसको हर महीने 500 रुपया अलग से दिए जाएंगे ताकि ठीक से पोषण हो सके। महिला स्व सहायता समूह में काम करने वाली बहनों, क्या बने क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप बने? जो बहने सेल्फ हेल्प ग्रुप में हाथ उठाओ। मैं अपनी बहनों को कह रहा हूं, 500 करोड़ रुपए का विशेष कोष बना के तुम्हारी आमदनी कम से कम आजीविका मिशन के माध्यम से 10,000 रुपया महीना की जाएगी, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और एक बात और, लव जिहाद। देखो हम प्यार के विरोधी नहीं है, प्यार तो बेटा और बेटी में भी, माँ और बेटा में प्यार होता है, पिता पुत्री में प्यार होता है, भाई बहन में प्यार होता है। प्यार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हम प्यार के विरोधी नहीं है, लेकिन लव के नाम पे जिहाद किया तो किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पे हम नहीं छोड़ेंगे। हमने मध्य प्रदेश में कानून बनाया, उत्तर प्रदेश में कानून बनाया, ये झांसा दे के बहका के फुकला के दबा के लोभ से लालच से अगर कोई जिहाद के नाम पर धर्मांतरण करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी, 10 साल जेल में सड़ाएंगे, 10 साल जेल में सड़ाएंगे। कुछ षडयंत्र चल रहे हैं, कुछ षडयंत्र चल रहे हैं जिनका मुकाबला हमको पूरी ताकत के साथ करना है। महिला थानों की संख्या हम दुगनी करेंगे। तो गाइस आप फाइनली वो लौट रहे हैं अपने और अपने घर की ओर, देख तो आप हमें दिखाते हैं आपको।
तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाय।